हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। जिस तरह से हम फोर टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, सेम उसी मेथड से। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, इनर और ब्लाउज़ का फैब्रिक। और इनर फैब्रिक को हम पहले कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड करके इनर फैब्रिक को बिछा लिया है। अब हमें इसमें नीचे निशान लगाना है, तो ये मैं 15 इंच का ब्लाउज़ टोटल तैयार करूँगी। तो ये 1.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ नीचे फोल्डिंग के लिए। और जितनी आपको लेंथ रखनी है ब्लाउज़ की, उसमें 1/2 इंच प्लस करके आप ऊपर लेंथ का निशान लगा सकते हैं। तो मैंने ये 15.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें शोल्डर का निशान लगाना है, तो मैं इस ब्लाउज़ में बोट नेक बनाने वाली हूँ। तो शोल्डर के लिए मैंने 8.25 इंच पे निशान लगाया है, ये इस तरह से। अब हमें इसमें आर्म होल का निशान लगाना है, तो मैं ये ब्लाउज़ स्लीवलेस बनाने वाली हूँ, तो मैं 6.5 इंच पे इसका आर्म होल का निशान लगाऊंगी। अगर आप स्लीवलेस नहीं बना रहे हैं, तो 7.25 इंच पे आप इसमें आर्म होल का निशान लगाएं। मैंने ये 6.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है, तो चेस्ट में हम चेस्ट को फोर से डिवाइड करके उसमें 1/2 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। तो ये 10 इंच पे मैंने निशान लगाया है, और 2 इंच मैंने मार्जिन का ले लिया है, और आर्म होल की इस तरह से गोलाई लगा ली है। अब हमें कमर के लिए मेजरमेंट लगाना है, तो 32 इंच हमारी कमर है, तो 8 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है। 1 इंच मैंने ये प्लीट्स का ले लिया है, और 2 इंच मार्जिन का। तो टोटल मैंने इस तरह से मेजरमेंट लगा लिया है। अब हमें ये टक्स के लिए यहाँ पे निशान लगाने, तो 10.5 इंच पे मैंने ये ऊपर से निशान लगाया है, और 4.25 इंच पे मैंने ये चौड़ाई का निशान लगाया है टक्स के लिए। 3 इंच पे मैंने ये नीचे हमारी प्लेट्स का निशान लगाया है सेंटर पॉइंट से, दोनों साइड में 1.5 इंच करके। अब इन निशानों को इस तरह से हम मिला देंगे। ये हमारी प्लेट्स बन जाएंगी। अब इधर से 1/2 इंच हमें इस तरह से निशान लगा के इन निशानों को इस तरह से मिला देना है। अगर आप इसको प्रिंसेस कट बनाएंगे, तो आप इस तरह से मिला दीजिए। अगर आप इसको फोर टक्स ब्लाउज बनाना चाहते हैं, तो आप जिस तरह से फोर टक्स का निशान लगाते हैं, सेम उसी मेथड से हम इसमें प्लीट्स का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये प्लीट्स का निशान लगा लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी कमर का मेजरमेंट टोटल बन गया है कि। तो ये हमारी 8 इंच टोटल निशान है। अब इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट का भी निशान मैंने साथ ही लगा दिया है, और आर्म होल का और बैक पार्ट का तो हमने पहले लगा ही लिया था। तो इस तरह से हम ये नेक का निशान हम लगाएंगे, तो 4.5 इंच पे विड्थ और लेंथ दोनों 4.5 इंच रखी है मैंने नेक के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से मिलाते हुए हम एक बॉक्स बना लेंगे, और इसकी गोलाई का हम निशान 1.5 इंच पे लगा लेंगे। ये बोट नेक के हम फ्रंट और बैक पार्ट के सेम निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे। तो ये टोटल हमारा मेजरमेंट हमारा लग चुका है। तो इस तरह से ही हम ये हमारी प्लीट्स, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से कटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको सेम इसी तरह से जहाँ पे हमने निशान लगाए हैं, उसी निशान पे आप प्लीट्स की सिलाई लगाते हुए और इसको इसी तरह से लगा सकते हैं।
ये जिस तरह से हम फोरटक्स ब्लाउज वाला जो निशान लगाते हैं, ये मैंने वो निशान लगा दिया है इधर भी साइड वाली प्लीट्स का। तो इस तरह से हमारे ये सभी प्लीट्स का निशान लग गया है। प्रिंसेस कट का भी हमने निशान लगा दिया है और ये फोरटक्स का भी। जिस मेथड से आपको इजी लगता है उसी मेथड से आप ब्लाउज़ की सिलाई कर लीजिएगा। मैं ये फोरटक्स टाइप ही ब्लाउज़ बना रही हूँ, लेकिन ये हम इसको सिलाई को, शोल्डर वाली सिलाई को और नीचे ये जो कमर वाली सिलाई को, सेम पैटर्न से हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे बिना कटिंग के। अब नीचे कमर की साइड से हमने 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा के और इसको इस तरह से निशान लगा लिया है। अब सेम इसी निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर ली है फ्रंट पार्ट की। बैक पार्ट के लिए हम जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसको फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रखकर और सेम इसी मेथड से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हम ये निशान लगा लेते हैं। बैक पार्ट के आर्म होल का हमने निशान पहले ही लगा लिया था, तो इसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सेम इसी पैटर्न से इस बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से सारे की हमने ये कटिंग कर लेनी है। ये मैंने बैक और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग कर ली है। अब इन्हीं बैक और इन पार्ट को हम इस तरह से दोनों साइड में ये प्लीट्स के निशान हम लगा लेते हैं। तो इसको टैप टैप करके इस तरह से हमने, और ये निशान हमने दूसरे साइड में भी इस तरह से लगा लेने हैं। तो ये देखिए दूसरे साइड में भी हमारे ये निशान आ गए हैं। सेम इसी मेथड से हमने फ्रंट पार्ट की जो ये हमने निशान लगाए हैं उसको भी हम इसी तरह से दूसरी साइड में कर लेंगे। ये शोल्डर का हमने निशान लगाया था फ्रंट पार्ट के, उसको ही हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है और इसी सेम मेथड से हम अपने जो हमारा मेन पार्ट है ब्लाउज़ का उसकी कटिंग कर लेंगे हम इस इनर पार्ट को उसके ऊपर रखते हुए। तो इस तरह से टोटल मेजरमेंट से हमने अपने इस ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है और इसकी स्टिचिंग के लिए हमने अलग से वीडियो बनाएंगे हम। ये हमारा सिर्फ कटिंग का वीडियो है, तो स्टिचिंग का अगर आपको नहीं आती है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आप स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये कटिंग मैंने इस टोटल ब्लाउज़ की कर ली है। इस तरह से हम इन पार्ट्स को इस तरह से ऊपर नीचे रख के पहले हम इसको पिनअप कर लेंगे और जहाँ जहाँ हमने इस तरह से निशान लगाए हैं उन सेम निशान पे हम प्लीट्स डालते हुए इस ब्लाउज़ की जिस तरह से हम सिलाई करते हैं उसी मेथड से हम इस पूरे ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट को हमने इस तरह से रखा है, सेम इसी मेथड से हम बैक पार्ट को भी ऊपर नीचे इस तरह से दोनों पार्ट को हम रख के और इसकी स्टिचिंग कर लेंगे प्लीट्स डालते हुए। तो आई होप ये ब्लाउज़ की कटिंग का मेजरमेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ब्लाउज़ का हमारा ये फाइनल लुक आपके सामने है। आई होप आपको ये ब्लाउज़ पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।